नमस्कार दोस्तों दोस्तों कॉलम को तोड़े बिना ही दरवाजा के चौखट का क्लैंप जो है आप लगा सकते हैं, और आपको जो है पहले से भी होल फास्टनर छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। यहां पे आप देख रहे हैं मुझे क्लैंप लगाया गया चौखट के, कॉलम को ही तोड़ दिया। ब्रिक को तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप तोड़ सकते हैं उसमें, फिर जो है कंक्रीटिंग करके उसको जो है फिर ढलाई मतलब कि कंक्रीट जाम कर सकते हैं, लेकिन आरसीसी कॉलम को जो तोड़ देना ना बड़ी तकलीफ होता है भाई। उससे पहला तो घर तो कमजोर हुआ ही हुआ, और कभी कभी तो कॉलम में क्रैक भी आ जाता है। तो हम आपको आज एक ऐसा चीज दिखाएंगे कि यही क्लैंप को, ये जो क्लैंप आपको दिख रहा है, कॉलम को बिना तोड़े हुए फिक्स कर सकते हैं। क्या है ऐसा सर? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यहां पे हम आपको जो आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं जरा उसको ध्यान दीजिए। तो टॉपिक आपका यहां पे आज है कि भाई जरा यहां पे देखिएगा, तो पहला है कैन ब्रेक आरसीसी कॉलम, क्या कॉलम को तोड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपको ही पता है, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। हाउ टू फिक्स डोर फ्रेम, अगर तोड़ नहीं सकते तो डोर फ्रेम कैसे लगाएंगे? अब यहां पे हम आपको बिफोर कास्टिंग का एक ऑप्शन देंगे, आफ्टर कास्टिंग मतलब कॉलम ढलाई से पहले अगर आपका जो है प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उसमें जो है कुछ बांस दे करके चाहे एक बोतल में बालू भर कर कर सकते हैं, होल छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ढलाई हो चुका मैंने कुछ किया ही नहीं तो हम क्या करें? अब यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे एंकर बोल्ट का ड्रिल के मदद से, और एक एंकर बोल्ट है जो क्लैंप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे आपको हम जो है दिखाएंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई कि क्या कॉलम को तोड़ सकते, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते हैं, तो दरवाजा फिक्स कैसे होगा? और अगर फिक्स अगर करना है तो जो है अब ढलाई से पहले हम क्या कर सकते हैं, कुछ अगर आप जो है इस तरह का देखेंगे, अब कॉलम को तोड़ने का ढलाई से पहले ध्यान रहे, जिस समय आप कॉलम का शटरिंग करेंगे उस समय एक बांस में, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक बांस लेना है, उस बांस में पूरा पॉलिथीन सीट या लपेट देना है। लपेटने के बाद अगर आपको यहां दिख रहा होगा तो कुछ इस तरीके से, यहां देखिए और यहां देखिए, ढलाई से पहले इसको रिंग से बांध देना है, तीन ठो देना, अगर 7 फीट जो हाइट रहता है उसमें 3 होल फास्टनर होल देना पड़ता है। तो ये तीनों दे करके कॉलम का सेटिंग कर देंगे, ढलाई कर देंगे। जब ढलाई हो जाएगा तो कुछ इसी तरीके से, जरा ये देखिएगा, तो कुछ इसी तरीके से आपका जो है यहां पे जो होल आपको दिख रहा होगा ऐसा होल निकल जाएगा। तो आपको यहां पे फिर क्या कॉलम तोड़ना भी नहीं पड़ा, और जो है थोड़ा हल्का चिपिंग करके इसमें चौखट आपका आराम से लग जाएगा। ये तो हो गया ढलाई से पहले वाली बात, ढलाई से अगर पहले है तो आपको जो है इस तरीके से जो है आपको लगा देना है, ढलाई से पहले की बात है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि ढलाई हो चुका है सर, अब क्या करें, अब तो हमको कॉलम तोड़ना ही पड़ेगा ना? नहीं तोड़ना है, ढलाई से बात जो है जरा ये देखिएगा, आप पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस तरह का कॉलम बिल्कुल मत तोड़िएगा सरिया निकाल देने का, भाई घर कमजोर क्यों कर रहे हैं आप बताइए? लाखों रुपए का आप घर बना रहे हैं और ये सब छोटी छोटी गलतियां करके घर को कमजोर कर रहे हैं। इसमें कंक्रीट भरिएगा भी ना तो उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगा जितना आना चाहिए, हो सकता है इसके लोड की वजह से कभी कभी सरिया भी जो है बेंड हो जाता है और कॉलम में क्रैक हो जाता है। अब इंट्रोड्यूस करते हैं हम एंकर बोल्ट का, जो कि क्लैंप के साथ लगेगा। आप यहां पे देखिए क्लैंप ही है, लेकिन इसको बताने से पहले हम आपको ड्रिल वाला बताते हैं, ड्रिल कैसे किया जाएगा। अगर हम ड्रिल की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो चाहे आपका ड्रिल की मदद से एंकर बोल्ट जो लगता है आपका, चाहे डब्ल्यूपीसी का चौखट हो, वुड का चौखट हो, चौखट को पहले प्लम्बॉब लेकर के पूरा फिक्स कर लेना है, जाम दे देना है, फिर उसके बाद उसमें जो है ड्रिल मशीन लेकर के पूरा जो है उसको होल करते जाना है।
चौखट का इस पार से उस पार दीवार तक आरसीसी कॉलम तक पूरा होल कर देंगे। ऐसे तो कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख भी रहे हैं। तो अब यहां बात करते हैं कि ये जो होल होगा इस पार से उस पार, फिर इसमें एक आता है आपका जो है एंकर बोल्ट की बात कर लेते हैं। तो एंकर बोल्ट जो है 6 इंची का आप ले आइए, जरा ये देखिएगा एंकर बोल्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हम अब डील करने वाले, उसको जो क्लीन कर दीजिए, फिर उसके बाद उसमें जो है आप एंकर बोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से एंकर बोल्ट आता है, उसको जो है करने के बाद जो है उसको आप जो है टाइट कर दीजिए, और फिर तब जा करके जो है आपका ये पूरा फिक्स हो जाएगा। अगर एंकर बोल्ट की फोटो को हम आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको एंकर बोल्ट का फोटो दिखेगा। ये है छोटा वाला जो क्लैंप लगेगा, ये है कि 6 इंची वाला है, ये आपका एंकर बोल्ट जो चौखट के आर पार होकर के जाएगा, और इससे क्या है कि चौखट पूरा फिक्स हो जाएगा। वो इसमें भी 3 करना है, नीचे से 1 फीट हाइट, 7 फीट अगर हाइट है नीचे से 1 फीट हाइट, फिर ऊपर से 1 फीट हाइट बिलो में, फिर सेंटर में दोनों साइड कर देना है। तो उससे पूरा जो पकड़ के रखेगा और प्रॉपर तरीके से आपका ये जाम हो जाएगा, और कुछ इस तरीके से आपको जो है करना होता है। तो ये सब चीज जो है और आपको ध्यान में लेकर चलना है, चाहे वो ब्रिक हो चाहे आरसीसी हो, आपको जो है प्लास्टर के बाद वाला ये काम है, आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और ये जो है लगाया गया है WPC चौखट है। अब हम यहां पे क्या बात किए थे, एक एंकर बोल्ट का क्लैंप को लेकर के, इसको अगर आप देखेंगे ना आपका दिल गदगद हो जाएगा, हम वादा करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा इसमें, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है क्लैंप है, ये आरसीसी कॉलम आपका हो गया, यहां पे आपका क्या है क्लैंप लिए, और ये चौखट आपका उसी तरह से साहुल लगा करके हमको जो फिक्स कर लेना है, ठीक है। और क्लैंप जो रहेगा वो इस शेप में रहेगा, ऐसे करके, मतलब ये वाला पार्ट आपका चौखट में लगेगा, ये वाला में हम लोग एंकर बोल्ट करेंगे। हाँ, जिस साइड में आपका जो है ब्रिक है उधर करने की जरूरत नहीं है, उधर आप जो तोड़ करके जो है बड़ा वाला क्लैंप 4 इंची का लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर आरसी ब्रिक वर्क है उधर बड़ा वाला लगा दीजिए, लेकिन जिधर आरसीसी मेंबर है, आरसीसी मेंबर के जगह पे इस तरह का नहीं करना है। कुछ ये जो आप देख रहे हैं ये एंकर बोल्ट वाला क्लैंप को लगाना है, एंकर बोल्ट वाला क्लैंप लगाना है, और उसको फिर जैसे जो है स्क्रू लेकर के हम लोग वुड में लगाते हैं सेम उसी तरीके से स्क्रू लगा देना है, तो हो जाएगा क्लियर। तो ये क्लैंप आपको लगाने से जो है कभी भी कोई भी आरसीसी मेंबर को तोड़ने की जरूरत नहीं। देखिए, जितना आप आरसीसी मेंबर को तोड़ने में आदमी लाएंगे उस और जो है फिर उसको भरेंगे, उसमें आप जो एंकर बोल्ट ले, और इसमें जो एंकर बोल्ट लगेगा ये आप देख रहे हैं, ये आपका जो है आपको हम दिखा देते हैं, ये अभी हम आपको दिखाए थे, तो ये इस साइज का जो छोटा वाला साइज का है, इस साइज का आपका एंकर बोल्ट लगेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में लेकर के चलना है कि जब भी कभी एंकर बोल्ट लगा रहे, क्योंकि इसमें छोटा एरिया ये 3 इंची से 4 इंची तक जाएगा आपका, और वो जो आपको बताए थे बड़ा वाला 6 इंची था, फिर इसको टाइट कर देंगे क्लैंप को, तो फिर आपका चौखट लगाना जो है आसान हो जाएगा। ये था ड्रिल वाला, और ये था जो है पहले से जो है पाइप उसमें जो बांस घुसा देने का। तो यहाँ पर क्या क्या चीज मेरा क्लियर हो गया जरा ध्यान दीजिएगा। तो हाउ टू फिक्स डोर फ्रेम मैंने आप समझ गए, बिफोर कास्टिंग वाला समझ गए, आफ्टर कास्टिंग क्या करना, आफ्टर कास्टिंग भी है एंकर बोल्ट डोर एक ड्रिल करके एक जो है क्लैंप करके। अब यहां पे सवाल उठता है कि भाई आपने क्या किया, आप और आपका मिस्त्री जो है दो पैसा बचाने के लिए जो है क्या किया। अगर आप इस पैटर्न पे चलते हैं ना तो आपका जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा जी, मतलब कि इतना आसान, मतलब कि सस्ता भी पड़ेगा आपको लगाने में, जिससे क्या है कि आप आराम से फिक्स कर देंगे इसको और आपका चौखट एकदम फिक्स होगा। आप बोलेंगे सर इस प्लास्टर वाले ये ज्यादा नहीं, कितना ले आपका 12 से 15 mm इसका थिकनेस पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब उतना तो आप प्लास्टर का थिकनेस कर ही देते हैं, देखिए कितना थिकनेस बच नहीं है, उतना नट भी बोल्ट मिला करके भी
उसको प्लास्टर में मैनेज हो जाएगा, हो गया, पता भी नहीं चलेगा कैसे फिक्स हुआ था, बताइए। तो ये सब तरीका है। हाँ, जिस जहां पे क्लैंप है वहां पे दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई इशू नहीं। तो मतलब कि मेरा ये कहने का है कि जब उसको पेंट भी कर देंगे तो आपके पास नट बोल्ट टाइप है, उतना तो आपका जो है हिंज दिखता है, उसे कह लेंगे। तो ये तरीका अपनाइए तो आपका जो है घर मजबूत रहेगा और कोई भी तरह का हानि नहीं होगा। क्योंकि हमको बस जो है थोड़ा सा क्लैंप घुसाने के लिए इतना बड़ा बड़ा तोड़ देते हैं, इसमें क्या। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, सारा चीज क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।